मल्टीप्लीकेशन बाई 5, एक हमारे पास नंबर होगा और उसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे उसके बाद एग्जाम्पल। तो मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहला स्टेप है कि जो भी नंबर है ना उसके अंतिम में आप जीरो लगा दें, बिना कुछ सोचे समझे उस नंबर के अंतिम में जीरो लगा दें। दूसरा स्टेप ये है कि उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दें तो आपका वो नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 10/2, इसलिए मैंने पहले स्टेप में 0 ऐड कर दिया और दूसरे स्टेप में 2 से डिवाइड कर दिया। दूसरे स्टेप में 2 से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि लास्ट डिजिट 0 था जो कि 2 से डिविजिबल है। आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 7, 2, 3, 4 × 5। तो पहले हम लोग 0 ऐड कर देंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36170। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 8, 2, 3, 5 × 5। पहले 0 ऐड एंड देन डिवाइड, यहाँ मैं एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ, 2 स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा ज़्यादा कैलकुलेशन हो सके वो माइंड में करिए। कुछ और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें और पेपर में अच्छे से सॉल्व कर पाए। अगला एग्जांपल है 4, 5, 6 × 5। तो ये पहले 0 लगा दिया हमने और सीधे 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 228 और अंतिम में 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7, 8, 9 × 5। 0 लगा दें आंख बंद करके और फिर 2 से डिवाइड कर दें, 3, 9, 39 × 78 होता है और 45 × 90 होता है। तो ये था हमारा 5 से मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका।